फर्स्ट अर्बन स्ट्रक्चर, तुम कहाँ कुछ कहते हो, आप कहाँ कुछ सोचते हैं, तुम कहाँ कुछ देखती हो। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हार्डली, हार्डली के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। तुम कहाँ कुछ देखती हो, यू हार्डली सी एनीथिंग, यू हार्डली सी एनीथिंग। आप कहाँ कुछ सोचते हो, यू हार्डली थिंक एनीथिंग, यू हार्डली थिंक एनीथिंग। वो कहाँ कुछ कहती है, सी हार्डली सेज एनीथिंग, सी हार्डली सेज एनीथिंग। तुम कहाँ कुछ करते हो, यू हार्डली डू एनीथिंग, यू हार्डली डू एनीथिंग। सेकेंड अर्बन स्ट्रक्चर, इस प्रकार की छोटी छोटी हिंदी वाक्यों को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, भाई होते किस लिए हैं, बहने होते किस लिए, दोस्त होते किस लिए हैं। सो गाइज, इस प्रकार की छोटे छोटे वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़े आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इस प्रकार के छोटे छोटे वाक्यों को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ करना पड़ेगा व्हाट, व्हाट के बाद आर, आर के बाद आपको वो नाउन का नाम लिख देनी है, इसके बाद फॉर और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। बहने होती किस लिए हैं, व्हाट आर सिस्टर्स फॉर, व्हाट आर सिस्टर्स फॉर। दोस्त होते किस लिए हैं, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। भाई होते किस लिए हैं, व्हाट आर ब्रदर्स फॉर, व्हाट आर ब्रदर्स फॉर।